और यहाँ पे क्या है, कुछ बलि का है? बलि का है, इसमें तो बलि होता है पूजा होने के बाद में, इसमें बकरे बलि जो है मतलब बलि में जो माय लेकर आता है इसमें बलि होता है। तो बस ये इसी मंदिर में होता और कहीं नहीं होता, मतलब हमारी सभी सभी इसमें सब शक्तिपीठ है, सारे शक्तिपीठ देवी शक्तिपीठ है। माँ काली रूप से जो जब ये किया है, माँ काली सती पार्वती के जब अंग गिरा है गिरने के बाद में वो पटल में माँ बसुमती ने अपना आसमान फाड़ के अपना ले कर गया था, माता आसमान बसुमती। तो मित्रों ये है बलि घर, इस पे ऊपर लिखा है बलि घर, यहाँ पे दी जाती है बकरे की बलि, और जब नव दुर्गा का टाइम होता है तब भैंसे की बलि देते हैं। और वो जो आपको रस्से दिखाई दे रहे हैं ये सारे वो रस्से हैं जिनसे भैंसों को बांध के यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद बलि दी जाती है। आप देखेंगे इस बलि घर के बिल्कुल बीचों बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिया भी जल रहा है और पूरा ये बना हुआ है, बलि का जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर बलि की पूजा की जाती है। और इसके बाद इसके लेफ्ट कॉर्नर में सामने जहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बलि दी जाती है। हम आपको ये क्षेत्र बाहर की तरफ से दिखाते हैं क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा खून था तो पैदल जाना मुश्किल हो रहा था। तो ये पीछे का एरिया है जहाँ पर बलि, वही एरिया जो भी एरो दिखाया था, तो ये बाहर की तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल है, यहाँ पे कुछ ही देर पहले अभी एक बलि दी गई है, तो आप यहाँ का हाल देख सकते हैं कैसा है। अब चलिए वापस चलते हैं बलि घर के अंदर की तरफ, और इसके अंदर से हम जब जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पे तो वो बलि ग्रह जो भी हमने आपको बाहर से दिखाया वो है, ये बीच में ये बना हुआ, और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है गेट जैसा बना हुआ खंभों के बिल्कुल सामने, यहाँ से माता रानी के दर्शन होते हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं महाविद्या मंदिर में, माँ काली का जो महाविद्या मंदिर है, यहाँ पे देखिए बीचा बीच में ये जगह बनी हुई है। इसके अलावा एक और जगह है जो इस मंदिर के बिल्कुल बगल में, ये एरिया आपको चबूतरा सा दिखाई देगा, चारों तरफ खंभे और बीच में वो स्थान है जहाँ पर बलि दी जाती है। तो ये है माँ काली का जो बलि स्थल है वो। और सामने ही देखिए माँ काली का मंदिर बिल्कुल बगल में सामने ही दिखाई दे रहा है। तो ये दो जगह बनी हुई है माँ काली की, जो माँ काली के लिए जो बलि दी जाती है उसकी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं भैरवी मंदिर। माता भैरवी का जो बलि स्थल है वो मंदिर के बाहर की तरफ ही बना हुआ है, ये तो सारा मंदिर है और ये देखिए नीचे बाहर की तरफ ये बना हुआ है बलि स्थल। तो अभी शायद कोई जल्दी में कोई बलि नहीं दी गई तो अभी ये खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी देर पहले बलि होती तो पूरा खून खून होता। और अब हम पहुँच रहे हैं धूमावती महाविद्या मंदिर में। तो ये है माता धूमावती का बलि स्थल, और अब माता धूमावती के बलि स्थल के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं दूसरे महाविद्या मंदिर में, और उनका नाम है माँ भुवनेश्वरी महाविद्या मंदिर। तो यहाँ पर फ़ोन और वीडियो अलाउड नहीं था तो हमने बाहर से ही थोड़ा कोशिश की उसको दिखाने की। ये रहा वो स्थल जहाँ पर दी जाती है यहाँ की बलि, मतलब माँ धूमावती के लिए जो बलि दी जाती है वो ये स्थल है। और अब हम पहुँच गए हैं छिन्नमस्तिका महाविद्या मंदिर में, और जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला सीन था कहना चाहिए वो मुझे इस छिन्नमस्तिका में देखने को मिला। हालांकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद वीडियो और फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम नहीं बना पाए वहाँ का वीडियो, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने वहाँ क्या देखा। हमने वहाँ देखा कि पत्तों में रखे हुए थे, कहीं पे काले बकरे का सिर रखा था, कहीं पे सफ़ेद बकरे का सिर रखा हुआ था, तो पत्तों पे रखकर उनकी पूजा की गई थी। तो वो सारा कुछ सीन देख के बिल्कुल भौचक्की रह गई मैं तो, मतलब मैंने तो कभी जीवन में ऐसा देखा ही नहीं था। और इसीलिए मैंने पूरा कामाख्या, पूरा मयोंग, पूरा चेरापूंजी, शिलोंग सब कुछ घूमने देखने के बाद भी सबसे पहला वीडियो इसी पर बनाया, क्योंकि मेरे मन में जब से वहाँ से वापस आई हूँ सिर्फ यही सब चल रहा कि बलि क्यों। इसके लिए मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से, साधु संत पंडित पुजारी, यहाँ तक कि जो साधक लोग बाहर बैठे होते थे, उन सब से भी बातचीत की कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबका अपना अलग अलग व्यू था। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे या हम आपको बताएंगे कि उन सब लोगों ने जो मुझे बताया तो उसकी समरी
भी किया है। तो दो तरीके के चीज़ें सामने आई हैं, एक वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं कि होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उनके हिसाब से क्या क्या कहा है उन लोगों ने, तो वो एक क्या समरी बनती है, पहले हम वो बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे जो लोग ये कहते हैं होना चाहिए तो उनका व्यू क्या है। तो जो लोग कहते हैं कि बलि नहीं होनी चाहिए, उनके हिसाब से उनका कहना है कि किसी देश को अगर नष्ट करना हो तो उसका इतिहास नष्ट कर दो। हमारे देश के साथ भी यही हुआ है और हो रहा है। हमारे इतिहास में इतनी मिलावट की गई है कि सच क्या है, झूठ क्या है, इसे समझना एक टेढ़ी खीर बन गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर्विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। जिस तरह वट वृक्ष पे असंख्य लताएं, जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्ष की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई हैं, और उन्हीं में से एक है बलि परंपरा की ये जो प्रथा बनाई गई है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गे, भैंसे की बलि दी जाने का प्रचलन हो गया है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्म शास्त्र हैं, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देते तो फिर ये प्रथा क्यों? मानो गोशी मानो अश्वेशु रीरिषः, ऋग्वेद में इस मंत्र को कहा गया और इसका मतलब है हमारी गायों और घोड़ों को मत मार। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे वट वृक्ष से असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती हैं, लेकिन वे लताएं वृक्ष की नहीं होती, उसी तरह वैदिक आर्य धर्म की छत्र छाया में अन्य परंपराओं ने भी जड़ फैला ली। इन्हें कभी रोकने की कोशिश ही नहीं की गई। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदू के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत में ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया। बहुत से समाजों में लड़कों के जन्म होने या उनका मान उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। यदि कोई मांसाहारी है तो हम मांस ना खाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इस धर्म की आड़ में तो बिल्कुल ही नहीं। एक और भी श्लोक यजुर्वेद में कहा गया और उसका अर्थ है उन जैसे बालों वाले बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों आदि दो पग वालों को मत मार। पशु बल की ये प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। वेदों में पांच प्रकार के यज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है, और जो यजुर्वेद का ये श्लोक है ये 13 का 50वां श्लोक है। तो पशु बलि प्रथा के संबंध में पंडित श्रीराम शर्मा की भी बड़ी अच्छी सी एक किताब है, जिसका नाम है पशु बलि, हिंदू धर्म और मानव सभ्यता पर एक कलंक। इसको तो सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। और सामवेद में भी दूसरे का 7वां जो मंत्र है वो कहा गया है, देवो हम हिंसा नहीं करते और ना ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं, वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं। तो मतलब वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और ये प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध असुर और दानवी आचरण रखता है। तो ये तो है उन लोगों के कहने की समरी जो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कहा ये होना चाहिए और इसके होने के पीछे कारण क्या है वह बताया है। तो अब हम बात करते हैं, तो उनका कहना है, और साथ में सद्गुरु से भी कभी किसी ने कि सवाल किया था कि काली माता को बलि क्यों पसंद है, तो सद्गुरु ने भी इसी तरह का कुछ जवाब दिया था, और जिनसे जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है उन सब के अनुसार जो समरी बनती है वो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम कि काली को वह क्यों पसंद है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये देवी देवता हैं क्या। ये इकलौती ऐसी संस्कृति है जहाँ हमारे पास भगवान बनाने की तकनीक है। बाकी हर जगह लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सृष्टिकर्ता है और आप सृष्टि के एक अंग हैं। सिर्फ
सिर्फ यही ऐसी संस्कृति है जहाँ हम जानते हैं कि हम ईश्वर बना सकते हैं। हमने अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरह के देवी देवता बनाए। हमने उन्हें जीवित रखने और आगे बनाए रखने के लिए कुछ विशेष ध्वनियाँ उत्पन्न की और उनके साथ कुछ विधि विधानों को जोड़ा। काली मंदिर में अगर आप बलि देना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आपको काली की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी शक्ति घटती जाएगी और फिर वे नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह से बनाया गया है। आप मूंगफली मुंह के अंदर डालते हैं, एक जीवन की बलि चढ़ती है तो दूसरा जीवन बेहतर होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक जीवन उसके अंदर एक जीवन होता है, क्योंकि यहाँ जो है बस जीवन है। उन्हें रोजाना नए जीवन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे खाना नहीं चाहती हैं, वह उनका जीवन है। अगर आप उसे वापस ले लें तो ये ऐसा है मानो आपने अपनी बैटरी चार्ज नहीं की और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इस बात को समझते हुए उन्होंने ऐसा होने दिया। अगर कोई व्यक्ति वाकई बिना किसी रस्म बिना किसी बलिदान के यूं ही चीजों को ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ है तो वह उसी तरह काली को सक्रिय रख सकता है, लेकिन आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि विशेष क्षमताओं वाला कोई ज्ञानी पुरुष आकर ये सब करेगा। इसीलिए यह परंपरा स्थापित हो गई जिसे कोई भी जारी रख सकता है। आज भी अधिकांश काली मंदिरों में रोजाना बलि दी जाती है। क्या ये क्रूरता नहीं है? लोग वैसे भी मांस खा रहे हैं, किसी कसाई घर में उन्हें मारने की बजाय आप उस जीवन ऊर्जा को एक खास तरीके से इस्तेमाल करके अपने बनाए गए देवता को और शक्तिशाली बना सकते हैं। दुनिया के हर हिस्से में पशुओं और यहाँ तक कि इंसान तक की बलि देने का रिवाज अभी भी चल रहा है और कभी न कभी तो जरूर रहा ही था। अब दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ बलि की प्रथा नहीं थी। एक जीवन को मारने का मकसद क्या है? क्या इससे कोई भगवान खुश होंगे? इसका भगवान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मकसद है शरीर को नष्ट करके जीवन ऊर्जा को बाहर निकालना और इस ऊर्जा का एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना। बस वह एक थोड़ी असभ्य टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी वह एक टेक्नोलॉजी थी। आप नारियल तोड़ते हैं, वह भी एक बलि है, क्योंकि मंदिर में नारियल तोड़ने या नींबू काटने का उद्देश्य बस नई ऊर्जा को मुक्त करना और उसका लाभ उठाना है। किसी बकरे या मुर्गे या किसी भी चीज को काटने का उद्देश्य भी यही था। कुछ अतिवादी उदाहरणों में लोगों ने अपने बच्चों तक की बलि दे दी है। तांत्रिक जीवन शैली में लोगों ने खुद की भी बलि दी है। बलि के लिए हमेशा इस तरह के जीवन को चुना जाता है जो ताजा और पूरी तरह जीवंत हो। जब मानव बलि दी जाती थी तो हमेशा युवा लोगों को चुना जाता था। ये बात पशु बलि पर भी लागू होती है। कोई भी बूढ़े बकरे की बलि नहीं देता, जवान और जीवंत बकरे को चुना जाता है। लेकिन लोग सिर्फ गर्दन और नारियल तोड़ते हैं, उसका लाभ कैसे उठाना ये उन्हें मालूम नहीं। वह तकनीक काफी हद तक नष्ट हो चुकी है। बहुत कम जगहों पर लोगों को इसकी जानकारी है। बाकी जगहों पर तो बस रस्म की तरह उसे करते हैं और सोचते हैं कि इससे देवी देवता खुश होंगे। वैसे भी नारियल या मुर्गा या जिस भी चीज की आप बलि देने वाले हैं आपको ही खाना है, कोई देवी देवता उसे खाने नहीं आएंगे। एक जीवन को मारने का मकसद क्या है? इसका जब ये सवाल पूछा गया तो इसका जवाब था क्या इससे कोई भगवान खुश होंगे, ये भी पूछा गया तो उसके जवाब में बोला इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि आप उसे पवित्र स्थान की तरह देखते हैं। लेकिन वे एक स्त्री के मासिक श्राव का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वह जीवन है। किसी शिशु को मारने की जगह वे बस उस श्राव का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वह जीवन बनाने वाली चीज है। उससे उन्होंने वो चीज बनाई जिसे आप भगवान कहते हैं। हम किसी मनुष्य या किसी चीज को मार नहीं रहे। अगर आप किसी जीवन का त्याग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ताली भी बजाते हैं तो ये भी एक बलि है। हम नहीं चाहते लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं कि इस बलि से क्या हो सकता है। ये आपको उड़ा सकता है क्योंकि इसमें जीवन ऊर्जा छोड़ी जा रही है। तो जीवन के किसी न किसी हिस्से को त्यागे बिना आप कोई लाभदायक काम नहीं कर सकते। आप आध्यात्मिकता की चर्चा ही करते रह जाएंगे। आध्यात्मिकता की बात करना बस मनोरंजन है, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये आपको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि या शायद तसल्ली देता है। अगर आप तसल्ली चाहते हैं तो आप सिर्फ मनोविकार की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग हमारे मन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य है कि इसके रहस्यवाद के बारे में समझें, जानें। तो आप ये समझिए कि इन सारी लाइनों का अगर हम दो लाइनों में समरी की बात करें तो वो सिर्फ इतना है कि इनका कहना है कि अगर आप बलि देते हैं, एक जीवन को समाप्त करते हैं, एक शरीर को समाप्त करते हैं, तो उससे निकलने वाली जो जीवन ऊर्जा है उसको आपको रूपांतरित करने की जो तकनीक है वह आनी चाहिए। नहीं तो वो जैसे कसाई घर में
काटे जा रहे हैं पशु पक्षी जो भी, तो वो वही बन जाएगा। और आज के समय में 90% लोग बलि के नाम पर कसाईगिरी ही कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन स्थानों पर बलि का प्रारूप सही प्रारूप समझा गया है, उसमें बलि दिए जाने वाले बलि की जो जीवन ऊर्जा है उसको रूपांतरित करने की जो तकनीक आती है, तो उससे हम माँ काली की जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं, इस तरह का इनका कहना है। तो मित्रों, ये वो दो तरीके की चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। कुछ लोग उसके सपोर्ट में जो बोले वो भी बताया, कुछ लोग जो इसके विरोध में बोले वो भी बताया। आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अगले वीडियोस में हम आपको पूरे कामाख्या माता के, पूरे मायांग और पूरे हम आपको मेघालय के दर्शन कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, ओम नमः शिवाय।